हेलो गाइस, दिस इज शगुन सांगवान। मैं आज फिर से नई वीडियो के साथ आया हूं अपने यूट्यूब चैनल शगुन की पाठशाला में। आज मैं वीडियोस संविधान पर बनाने वाला हूं। वैसे मैं बता दूं, मैं संविधान पर आज से वीडियो शुरू कर रहा हूं और संविधान के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी हाल ही में एग्जाम्स में आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, चाहे UPSI हो, UPPCS हो, लोअर PCS हो, तो उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे संविधान के, मैं कोशिश करूँगा कि सबको लेकर मैं वीडियोज़ बनाऊँ। वैसे हम लोग वीडियो बना ही रहा हूँ तो सबसे पहले वीडियो जो मेरी होगी वो आज संसद और राज्य विधानमंडल पर होगी। क्यों? कारण ये है क्योंकि हम लोग जब संविधान पढ़ते हैं तो बार बार ये बात आएगी कि संसद को ये अधिकार है या राज्य विधानमंडल को ये विशेष अधिकार दिए गए हैं, या राज्य विधानमंडल में कौन कौन होंगे या संसद में कौन कौन होंगे। तो पहले जान ले कि संसद और राज्य विधानमंडल है क्या। वैसे मैं आज पहले आपको लोकसभा और विधानसभा के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे हम लोग संसद, ये तो आपको पता ही होगा कि संसद में तीन लोग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य विधानमंडल में भी तीन लोग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। संसद हमारे देश में एक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, दिल्ली में संसद है, वहां पर राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ऐसे ही हर राज्य में उसके नीचे राज्य विधानमंडल है, उसमें राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद। अभी ये मत बोलना कि राज्य विधानमंडल कुछ यूनियन टेरिटरीज में नहीं है, हमें मानता हूं नहीं है, लेकिन वो बात बाद में करेंगे। आज पहले जान ले कि संसद क्या है और राज्य विधानमंडल क्या है। संसद में अगर बात करूं, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कुछ अगर इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं कि संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। सही, उसमें राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, लोकसभा है, ये लोकसभा ही रहेगी, ये राज्यसभा है, इसके मेंबर्स को MP लोकसभा बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। इसके मेंबर्स को MP राज्यसभा कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। यहां पर राज्य विधानमंडल को, अगर मैं राज्य विधानमंडल की बात करता हूं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। आपको याद रखना है इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यपाल को हम लोग गवर्नर ही कहते हैं। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए इसके मेंबर्स को MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसलिए इसके मेंबर्स को MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि संसद में कितने लोग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। हर राज्य विधानमंडल में, हर स्टेट में, वहां पर राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी। जितना बता रहा हूं तो आप लोग याद करते रहना साथ के साथ। संसद में अगर बात करें, संसद का जो गठन है ये आर्टिकल 79 में है कि संसद में कौन कौन लोग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा। अनुच्छेद 79 संविधान का, उसी में संसद का गठन है कि राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। ऐसे ही यहां पर राज्य विधानमंडल का आर्टिकल जो है ये 168 है। यहां पर कहा गया है कि इसमें राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी। पहले ही कन्फर्म कर ले, अगर बात मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि संसद में कौन नहीं है, तो गारंटी से यहां पर अगर बात करें, ज्यादातर आंसर में होता है कि लोकसभा में, वो बात अलग है, लोकसभा के चुनाव से अभी हम देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा का या संसद का सदस्य नहीं है। सही जी, संसद का हम सदस्य नहीं मान सकते, मतलब संसद के गठन में आर्टिकल 79 में नहीं है। संसद में केवल तीन लोग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे ही राज्य विधानमंडल में, विधानसभा में से ही चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री निकलेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन राज्य विधानमंडल में सदस्य नहीं है, तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इसके अलावा जो भी देगा, वो मुख्यमंत्री भी दे देता है ज्यादातर। अभी हाल ही में कौन सा एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन राज्य विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, और एक दिया हुआ था मुख्यमंत्री। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री विधानसभा से निकलेगा, लेकिन वो
आर्टिकल 168 में नहीं लिखा हुआ। ऐसे यहां पर वो बात अलग है, लोकसभा से प्रधानमंत्री निकलेगा, लेकिन आर्टिकल 79 में ये नहीं कहा गया कि संसद में तीन लोग या संसद में प्रधानमंत्री होगा। संसद में आर्टिकल 79 के अनुसार यही है कि तीन लोग से मिलकर बनेगी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब मैं बात करूं, पहली बात तो ये जो चारों सदन हैं, यहां पर लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, इन चारों सदनों की अगर मैं बात करता हूं, इन सदनों में से पहली बात तो आपको याद रखना है कि लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है। अगर लोकसभा की बात करूं मैं, लोकसभा का नॉर्मल कार्यकाल, नॉर्मल जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष है, तो आपको सब लोगों को पता होगा 5 वर्ष है लोकसभा का कार्यकाल। लेकिन उससे पहले भी किसी भी समय राष्ट्रपति से विघटित कर सकता है, तो विघटित किसका हो सकता है? लोकसभा का। विघटन किसका हो सकता है? लोकसभा का। तो लोकसभा को विघटन कर सकता है इसका। जब लोकसभा का 5 साल से पहले विघटन हो गया तो 5 साल से पहले भी खत्म हो सकती है। ऐसे ही यहां पर जो है एक बात याद रखना, अगर इसका 5 साल का कार्यकाल है तो इससे ज्यादा भी इसका कार्यकाल बढ़ सकता है। केवल किस केस में? आपातकाल में। अगर देश में इमरजेंसी, आपातकाल है, तो अगर लोकसभा कार्यकाल खत्म होने वाला, तो संसद एक कानून पारित करने के बाद या एक बार विधेयक पारित करने के बाद उसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। तो इसलिए लोकसभा उससे पहले भी खत्म हो सकती है, उसके बाद भी, क्योंकि इसका डिसोल्यूशन, इसका विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। आपको याद रखना है, इससे लोकसभा का कार्यकाल नॉर्मली 5 साल का है, लेकिन उससे पहले भी वो खत्म हो सकती है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, इसके सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष का, जो हर दूसरे वर्ष 1/3 रिटायर होते हैं। इसमें राज्य विधानमंडल में विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर इसका भी नॉर्मल कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन राज्यपाल इसका भी 5 साल से पहले विघटन कर सकता है, लेकिन इसका कार्यकाल भी 5 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है। किस केस में? आपातकाल में, एक बार में 1 साल के लिए संसद ही बढ़ाएगी। राज्य विधान परिषद का राज्यसभा की तरह विघटन तो नहीं हो सकता, जैसे राज्यसभा का विघटन केवल लोकसभा को होता है, यहां पर राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल विधानसभा कर सकता है, लेकिन राज्यसभा की तरह यह भी स्थायी सदन है राज्यसभा, आपको पता ही होगा, क्योंकि इसका विघटन नहीं हो सकता, ना इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऐसे विधानसभा का विघटन हो सकता है, विधान परिषद का नहीं हो सकता, ना तो इसका राज्यपाल विघटन कर सकता है, ना कार्यकाल इसका बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल अगर आप बात करें 169, उसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करने का या समाप्ति करने का अधिकार केवल संसद को है। किसी राज्य में बना भी सकती है, नहीं भी, अनुच्छेद 169 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया कि किसी राज्य में विधान परिषद संसद को अधिकार गठित कर भी सकती है, नहीं भी। जैसे आपको पता होगा वर्तमान में हमारे देश में कंबुज्ड, इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, वर्तमान में हमारे देश में 7 राज्यों में विधान परिषद बनाई गई है। बात करें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, ये 7 राज्य हैं। कल CDS का एग्जाम हुआ, उसमें भी क्वेश्चन आया किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि अभी तो पहले फिलहाल क्या बात है, फिलहाल ये बात है कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद से मिलकर बनता है। लेकिन यहां पर लोकसभा कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन उससे पहले भी विघटन हो सकता, कौन कर सकता है? राज्यपाल। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, स्थायी सदन है। यहां पर विधानसभा का विघटन, नॉर्मली कार्यकाल इसका 5 साल का है, लेकिन उससे पहले विघटन कर सकता है राज्यपाल। विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता, स्थायी सदन है। लेकिन राज्यसभा, अब क्वेश्चन आता है, ये चारों सदन ऑप्शन में लिखेगा वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, निम्न चारों सदनों में से कौन सा सदन विघटित तो नहीं हो सकता, मतलब विघटन नहीं कर सकता। विघटन कौन कौन नहीं कर सकता, विघटन किस किस का नहीं हो सकता, सॉरी, राज्यसभा का नहीं हो सकता, विधान परिषद का, तो इतना तो कंफर्म है, 2 सदन तो ये हैं, सही है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सदन का विघटन तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका निलंबन किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 169 ये अधिकार है संसद को, विधान परिषद किसी राज्य खत्म कर भी सकती है और बना भी सकती है। वो बात अलग, कितने राज्यों में बनाई है? 7 में। तो अगर मैं पूछूं क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना दोबारा से क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा सदन है जिसका विघटन तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, इसका विघटन हो सकता है, इसका विघटन हो सकता है, लेकिन इसका नहीं हो सकता और इसका नहीं हो सकता, लेकिन निलंबित किया जा सकता है। तो ये तो निलंबित भी नहीं हो सकते, खत्म भी नहीं कर सकते, इसे खत्म कौन कर सकता है? कौन? संसद, आर्टिकल 169 में है।
तो ये 169 है आर्टिकल, आपको इसके बारे में याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 39 में संसद का गठन है जिसमें तीन लोग होंगे, 168 में राज्य विधानमंडल का गठन है जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होगी। लेकिन 169 में क्या लिखा गया, 169 में कि संसद को अधिकार है, विधान परिषद किसी राज्य में बना भी सकती है, नहीं भी, कितने राज्यों में बनाई गई है, सात में। सो ट्रिक है कंबुज्ड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। यहां तक बताओ पहले कोई दिक्कत हो तो। चले जी आगे बढ़े। चलो तो पहले संसद की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति, आपको पता ही होगा राष्ट्रपति जी अकेले व्यक्ति होते हैं, तो बात बाद में करेंगे इनके बारे में हम, आज हम पैसे लोकसभा और विधानसभा के बारे में बात करने वाले हैं, इंपोर्टेंट जो है। तो लोकसभा में 500, लोकसभा गठन बात करें, लोकसभा का गठन है वो आर्टिकल 81 में है कि लोकसभा में 552 मेंबर्स होंगे, 550 प्लस 2, आपको याद रखना है कितने मेंबर्स होंगे, 552, 550 प्लस 2 ये अधिकतम है, इसमें से निर्वाचित होंगे 550, 2 नामित होंगे। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है जिसमें 250 मेंबर्स होंगे, 238 प्लस 12, यहां तक बताओ पहले कोई दिक्कत है। इसमें 238 जो है वोट से बनेंगे और 12 नामित होंगे, अभी हम देख लेंगे नामित क्यों होंगे या क्या कारण है नामित होने का। चलो जी, लेकिन आपको साथ ही याद रखना है आर्टिकल 82 को, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की अधिकतम संख्या दी गई है, राज्यसभा की अनुच्छेद 80 में अधिकतम संख्या दी गई है 250 होंगे, सही जी। अगर मैं विधानसभा की बात करता हूं, विधानसभा में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल है इसका 170, इसमें लिखा हुआ है कि विधानसभा की सीटें 500 से ज्यादा नहीं होगी, 60 से कम नहीं होगी, वो बात अलग है, अपवाद है, वो बाद में बात करेंगे। 500 ज्यादा नहीं होगी, 60 से कम नहीं होगी, पिछले हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, पिछले साल जो आरओ का एग्जाम हुआ था, रिव्यू ऑफिसर का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम सीटें कितनी है, 560, सिंपल सी बात है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद का जो गठन है वो आर्टिकल 171 में है, यहां पर कहा गया कि जितनी विधानसभा की सीटें होंगी उस राज्य की, जिस राज्य में विधान परिषद है, कितने राज्यों में, सात में, उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होगी सीटें और 40 से कम नहीं होगी। विधान मतलब जिस राज्य में विधान परिषद है, आर्टिकल 171 में लिखा हुआ है कि उसकी 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, तो उत्तर प्रदेश की 403 के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो वो तो रही बात अलग, ये तो आपको जानना जरूरी है, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं इसे। संसद का गठन आर्टिकल 17 में, संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानमंडल का गठन 168 में, इसमें राज्यपाल होंगे, मतलब विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। राज्य विधानसभा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर्टिकल 169 में लिखा हुआ कि विधान परिषद का गठन करने का अधिकार या समापन करने का अधिकार केवल संसद को है, इसलिए संसद ने वर्तमान में कितने राज्य बनाई है, सात में। तो इसलिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का विघटन कर सकता है राष्ट्रपति, विधानसभा का विघटन कर सकता है राज्यपाल, इसका विघटन नहीं हो सकता, स्थायी सदन है, विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता, यह भी स्थायी सदन है। लेकिन इन चारों सदनों में से दो का विघटन या किस सदन का विघटन नहीं हो सकता, तो राज्यसभा का नहीं हो सकता, विधान परिषद का। लेकिन कौन सा सदन विघटित तो नहीं हो सकता, लेकिन निलंबित किया जा सकता, तो कौन सा है, विधान परिषद। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि विधान परिषद को राज्यसभा तो खत्म भी नहीं हो सकती, विधान परिषद को खत्म कर सकते हैं, 169 में यही अधिकार है संसद को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें संसद तो आपने देख ली, लेकिन राष्ट्रपति अकेला व्यक्ति है, अकेले व्यक्ति होते हैं। लोकसभा गठन आर्टिकल 81 में है, 81 में सबसे पहले बात करें, इसमें अधिकतम संख्या 552 है, 550 वोट से दो नामित निर्वाचित होंगे और दो नामित होंगे। 80 में 250 अधिकतम है, 238 निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और 12 नॉमिनेट होंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करूं विधानसभा में आर्टिकल 170 में लिखा हुआ कि 500 से ज्यादा नहीं होंगी सीटें और 60 से कम नहीं होंगी।
विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह कहा गया है जिस राज्य में विधान परिषद होगी उसकी विधानसभा की सीटों से 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम नहीं होगा। यहां तक बताओ पहले, कोई दिक्कत हो तो सही है जी। अगली बात कर लेते हैं, अगली बात क्या करें, देखो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 82 की। 82 में क्या कहा गया है कि जो ये सीटें हैं वो बात अलग है, अधिकतम है, लेकिन सीटें जो हैं ये जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं। ये जो जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएंगी ये तो अधिकतम है सीटें सभी, ये जनसंख्या के आधार पर बटेंगी। अगर मैं बात करूं जनसंख्या के आधार पर कैसे बटेंगी, फॉर एग्जाम्पल 1951 में जनगणना हुई होगी तो भैया सिंपल सी बात है कोई ना कोई सीटें तो किसी आधार पर होंगी उसके आधार पर। 1961 में जनगणना हुई होगी तो कुछ सीटें उसके आधार पर होंगी। 1971 के आधार जनगणना हुई होगी तो कुछ सीटें उसके आधार पर होंगी। ये सब सीटें बांटी गई हैं भाई, 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ है ना, तो ये जो सीटें बांटी गई हैं ये जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं। लेकिन अब सिंपल सी बात है, मान लो अब मैं 82 में जो एक संवैधानिक भाषा में कहा गया है वो बोलता हूँ। क्या कहा गया है इसमें, कहा गया है कि लोकसभा या किसी भी सदन की सीटें जनसंख्या के आधार पर बटेंगी और हर जनगणना के बाद इनका पुनर्संयोजन होगा और इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अब मान लीजिए, मान लो 51 की जनगणना हुई और जनगणना होने के बाद में, अब ऐसा तो नहीं कि सरकार को ऐसे ही पता चल जाएगा कि कितने सीटें लोकसभा में होंगी वर्तमान में, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर बट रही है, ये तो अधिकतम है। तो उसके लिए तो एक कमीशन, एक आयोग गठित होगा, छोटा सा एक कमेटी गठित होगी, कमेटी टाइप। तो इसे क्या बोलते हैं, परिसीमन आयोग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि परिसीमन आयोग गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में, 82 में। समझ में आई बात नहीं, जैसे बात करें पहली जनगणना 51 में हुई थी तो पहला परिसीमन आयोग कब बना होगा, 52 में, जिसने कुछ सीटें बताई होंगी। समझ में आई बात नहीं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये सीटें आर्टिकल 81 में लोकसभा का अधिकतम सीटें बताई गई हैं या गठन बताया गया, 80 में राज्यसभा का, लेकिन 82 में कहा गया ये सभी सीटें किसके आधार पर बटेंगी, जनसंख्या के, और हर जनगणना के बाद इनका पुनर्संयोजन होगा और एक परिसीमन आयोग गठित होगा। तो पहला परिसीमन आयोग कब बना था, 52 में, जैसे बात करें वर्तमान में क्या स्थिति है। लेकिन जो 71 की जनगणना हुई थी उसके बाद जो 72 में परिसीमन आयोग बना उसी के आधार पर हमारी वर्तमान में सीटें थी 545, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें 545, 543 और 2, ये तो अधिकतम है वर्तमान में। यहां पर 245, 233 प्लस 12, आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो ये अब ये परिसीमन आयोग, अगर मान लीजिए 81 की जनगणना तो बढ़ती आ रही, जनसंख्या तो बढ़ती आ रही है, तो हम लोग 81 जनसंख्या को लेते या 91 की या 2001 की जनसंख्या को लेते तो हमारी अधिकतम को सीटों को क्रॉस कर जाता। तो इसलिए क्या करा गवर्नमेंट ने कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जो 1971 की जनगणना है जिसके आधार पर सीटें बांटी गई हैं इसे पहले 2001 तक स्थिर किया, फिर 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये आज 2026 तक स्थिर है। तो हमारे संविधान में ये कहा गया है कि 82 में कि हर जनगणना के बाद पुनर्संयोजन होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, सरकार ने 1971 की जनगणना को स्थिर कर रखा है, कब तक, 2026 तक, क्योंकि पहले 42वें संविधान संशोधन 1976, फिर 84वें संविधान संशोधन 2001। जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि संविधान में जनसंख्या से क्या अभिप्राय है तो आंसर एक ही होगा, 1971 की जनगणना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सही जी। तो 1971 की जनगणना के आधार पर कितनी सीटें, 545, 543, 2, यहां पर 245, 233 और 12, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो बात कर लेते हैं, तो 545 इसमें वर्तमान में जिनमें चुनाव होते हैं, 545 वर्तमान में चुनाव कितने पर होते हैं, 543 पर। जैसे बात करें लोकसभा कार्यकाल 5 साल का है, जैसे फॉर एग्जांपल 1952 में चुनाव सबसे पहले हुए थे, आम चुनाव है जी, 1900 अगर बात करें 2014 में चुनाव हुए थे तो ये 16वीं बार थे, 2019 में चुनाव हुए तो ये 17वीं बार है। समझ में आई बात नहीं, तो अब कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं, ये तो आपको याद रखना ही है। तो 17वीं लोकसभा के अभी चुनाव हुए थे हाल ही में, जब चुनाव होते हैं ये जो 543 सीटें हैं, पूरा भारत इन लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है,
फॉर एग्जाम्पल एक हो गया भैया मेरठ लोकसभा क्षेत्र, एक मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र, एक वाराणसी लोकसभा क्षेत्र, एक बिहार में पटना वो लोकसभा क्षेत्र है जी, एक भैया कलकत्ता लोकसभा क्षेत्र, एक भैया यहाँ पर उड़ीसा में कटक लोकसभा क्षेत्र। ये सारा भारत इतने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, कितने 543 में। और जब चुनाव होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे चुनाव हुए मान लीजिए इसमें 543 का आप लोग आधा कर लो अपन दो तो लगभग कितना बैठेगा 272 या 73 बैठेगा ऐसे, मुझे तो देख लेना आप जैसे भी है। तो बहुमत 50% मान लीजिए जब चुनाव हुए और जोन सी पार्टी के लोग मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर उड़ी पटना लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से हर पार्टी का खड़ा होगा, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी सपा का भी सब खड़ा होगा, लेकिन जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। तो मान लीजिए जब चुनाव हुए 543 में से ज़्यादा सीटों पर जोन सी पार्टी के लोग जीते, जिस पार्टी के लोग जीत जाते हैं फॉर एग्जांपल इसमें जो है मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा सीटों पर जो है बीजेपी के जीत गए, मतलब 50% से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के लोग थे, मान लीजिए 300 सीटों पर बीजेपी के लोग जीते हैं, समझ लो उसी की सरकार बन जाती है। ये कैसा होगा कि मान लीजिए बीजेपी के लोग आधे ज़्यादा आ गए तो बीजेपी क्या क्या करेंगे, ये कहेंगे अपने बीच में से हमारे बीच में से नरेंद्र मोदी है इन्हें क्या करो, राष्ट्र पे कहेंगे इन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाओ। तो प्रधानमंत्री की शपथ जो दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। इसलिए बोलते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, जिस दल का यहाँ बहुमत आ जाता है। जरूरी नहीं है वो इनके बीच में से हो, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, अन्यथा ना भी है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। कैसे? और एक चीज और, जैसा अगर मैं याद आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाऊँ तो ये पता होना चाहिए, जैसा हमारे नरेंद्र मोदी इससे पहले जो बीजेपी से पहले कांग्रेस का बहुमत था यहाँ पर, तो जो मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा सदस्य थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो जिस पार्टी का बहुमत आया उसी के नेता को प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। लेकिन जरूर नहीं है लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का भी हो सकता है, ना भी है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। मतलब अगर किसी कोई सदस्य भी नहीं है लोकसभा राज्यसभा का और पार्टी अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवा देती है तो उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो कम से कम कितने माह के लिए तो प्रधानमंत्री बन सकता है, 6 माह। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और अगली बात, इसलिए तो बोलते हैं कि भैया राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष, और लोकसभा की कितनी है, 25 वर्ष। तो एक प्रधानमंत्री लोकसभा का भी हो सके, तो सिंपल सी बात है भैया प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होगी, 25 वर्ष। अब पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही अन्य मंत्रियों को चुनते हैं, अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नरेंद्र मोदी जी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, वो जरूरी नहीं लोकसभा के मेंबर हों, वो इनके बीच में से भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, नहीं तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। कंक्लूजन ये है, ये जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, ये आर्टिकल जो है ये है 75, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री और मंत्रियों से मिलकर क्या बनती है, मंत्रिपरिषद। तो आपको ये याद रखना है कि मंत्रिपरिषद का गठन या प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। जरूरी नहीं है वो लोकसभा के मेंबर्स हो, वे राज्यसभा के भी हो सकते हैं, नहीं तो कितने माह के अंदर लेनी पड़ेगी, 6 माह। अब लेकिन यहां पर ये तो देख लिया आपने कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जरूरी है कि पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है फिर मंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कल को कोई प्रधानमंत्री जो देश का आया तो उसका निधन होता है या त्याग पत्र देते हैं, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर कोई प्रधानमंत्री है तो एक आदमी के मरने से मान लीजिए बीजेपी का बहुमत थोड़े ना खत्म हो रहा है या त्याग पत्र देने से, वहां पर क्या होगा, बीजेपी कहेगी कोई दिक्कत नहीं दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना तो शपथ दिला देंगे राष्ट्रपति। लेकिन जो नया बनेगा, ये जो मंत्रिपरिषद थी पुरानी की सलाह पर थी, ये मंत्रिपरिषद दोबारा शपथ ग्रहण होगी सबकी, चाहे वो ही बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शपथ ग्रहण दोबारा होगा। ये इस अनुच्छेद 75 का कंक्लूजन है, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहले राष्ट्रपति करेंगे फिर प्रधानमंत्री की अन्य मंत्रियों की सलाह पर करेंगे, समझ में, सॉरी अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। इससे क्या मतलब है, इससे क्या मतलब निकलता है, मान लीजिए कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्याग पत्र देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद डिसॉल्व होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कल को बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी ने त्याग पत्र दिया तो दूसरे प्रधानमंत्री को शपथ दिलवा देंगे,
लेकिन यह मंत्रिपरिषद दोबारा गठित होगी। अगर कोई मंत्री त्याग पत्र देता है, केवल एक पद खाली होगा, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति से कहेंगे इसे फलाना जो विभाग है ये इस व्यक्ति को मंत्री बना दो इस पद के लिए या इस चीज के लिए मंत्री बना दो। तो एक अगर मंत्री मरता है तो एक केवल एक पद खाली होता है, अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र या मरता है तो पूरी मंत्रिपरिषद डिसॉल्व होती है। समझ में आई बात नहीं? यह अनुच्छेद 75 का कंक्लूजन है। अनुच्छेद 75 में आपको याद रखना क्या विशेषता है इसकी। अगली बात, अनुच्छेद 75 में अब ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद कितनी भी हो सकती है, यह अनुच्छेद 75 में 91वां संविधान संशोधन था 2003 में, जिसमें यह जोड़ा गया कि इस मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। यह तो आपको याद रखना ही रखना है। तो 75 में क्या क्या हो गया, एक तो हो गया मंत्रिपरिषद का गठन, प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, वे जरूरी लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, नहीं तो 6 माह के अंदर लेनी पड़ेगी, पहले प्रधानमंत्री होगी फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की होगी। इसलिए अगर कोई प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो सिंपल सी बात है पूरी मंत्रिपरिषद डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए मंत्रिपरिषद की मृत्यु और जन्म का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री को। समझ में आई बात नहीं? अगली बात हम लोग कर रहे हैं सिंपल सी बात कि इसी में आर्टिकल में 91वां संविधान संशोधन ये जोड़ा गया कि इसका आकार लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये आपको याद रखना है कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगली बात, इसी अनुच्छेद 75 में एक अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव की मैं बात करूं, क्या है अविश्वास प्रस्ताव कि मान लीजिए यहां पर बाकी तो और भी पार्टी है, मान लीजिए कांग्रेस है जी, सही, कांग्रेस के कम से कम 50 सदस्य है, पहली बात तो हस्ताक्षर करके लोकसभा एक प्रस्ताव रखते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि यहां पर बहुमत आया तभी ये सब कुछ है। अगर ये प्रस्ताव रखते कि दोबारा बहुमत सिद्ध करके दिखाओ और इन्होंने कर दिया तो सब कुछ यूं ही बना रहेगा, अगर इन्होंने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर ये कैसे है, इन्हें क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। तो इसलिए बोलते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव केवल कहां लाया जा सकता है, लोकसभा, कम से कम विपक्ष के कितने लोग होने चाहिए, 50। अगर ये पारित हो गया तो क्या गिर सकती है, ये सरकार ही तो है, क्या गिर सकती है, सरकार। समझ में आई? इसलिए मंत्रिपरिषद को एक साथ हटाने का अधिकार किसे है, लोकसभा को, अगर ये सही से काम नहीं करते हैं देसी भाषा में तो। इसलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के, और एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के। मान लीजिए कल को नरेंद्र मोदी की सलाह पर ये यहां पर एक मंत्री बने थे, जैसे जयशंकर जी हैं, वो विदेश मंत्री हैं, तो अगर ये सही से काम नहीं करते तो राष्ट्रपति से ये हटवा भी सकते हैं। तो इसलिए एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है, क्योंकि लोकसभा में क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव। समझ में आई? लोकसभा चुनाव लगभग सही जी। ये जो दो लोग होते हैं ये नामित होते हैं, इन्हें बोलते हैं एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन कौन व्यक्ति है, एंग्लो इंडियन वो होता है जो जन्मा तो भारत में है लेकिन उसका पिता या कोई और पुरुष वो यूरोपियन मूल का है। ये क्यों रखा, क्योंकि जब संविधान सभा संविधान बना रही थी तो उन्हें लगा कि हमारे देश पर कब्जा इनसे पहले किसका रहा, यूरोपियंस का, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ लोग तो ऐसे जो जन्मे भारत में रहना चाहेंगे। समझ में बात नहीं? वो एंग्लो इंडियन होगा लेकिन एक लोकसभा क्षेत्र से, इतनी तो उनके पास वोट नहीं है कि अपनी आवाज लोकसभा तक ले आए, जिता के वहां तक भेज दें, इसलिए वहां पर उनका चुनाव नहीं होगा, सीधे राष्ट्रपति इनको नामित करेगा, एंग्लो इंडियन को। यहां तक बताओ पहले कोई दिक्कत हो लोकसभा में, आगे बढ़ू। चलो सेम हम लोग पहुंचते हैं विधानसभा पर। विधानसभा की बात है, मैंने बताया कि इसमें अधिकतम होगी 560 या आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है 170 में, लेकिन यह भी कौन सी जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है, 1971। आपको यह तो रट लेना है कि कौन सी जनगणना है संविधान में 1971, और कब तक स्थिर है, 2026 तक। पहले 42वां संविधान संशोधन, फिर 84वां संविधान संशोधन 2001, 2026 तक आज स्थिर कर रखे हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल यूपी, उत्तर प्रदेश में 403 है, यहां भी एक राज्यपाल एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है, अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई व्यक्ति राज्य उत्तर प्रदेश में है। यहां पर भी क्या होगा, इसका भी कार्यकाल कितने, 5 साल का, 5 साल का। उत्तर प्रदेश के जैसे चुनाव हुए थे अभी 2017 में चुनाव हुए थे, अब कब होंगे, 22 में। समझ में आई बात नहीं? तो 403 सीटों पर चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश कितने विधानसभा क्षेत्रों में बटा होगा, 403 में, एक मेरठ विधानसभा क्षेत्र, एक मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र, एक वाराणसी विधानसभा क्षेत्र, एक भैया पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र, ये इतने विधानसभा क्षेत्रों में बटा होगा। जब बटा होगा तो सिंपल सी बात है इन पर चुनाव होंगे, इतनी सीटों पर चुनाव होंगे, हर सीट से हर पार्टी का व्यक्ति खड़ा होगा, सेम एज लोकसभा।
जब ज्यादा सीटों पर कौन सी पार्टी जीत जाएगी, जैसे बहुत फॉर एग्जांपल 2017 में बीजेपी ज्यादा सीटों पर जीती, तो उसी पार्टी के नेता को यहाँ पर राज्यपाल क्या दिलाएंगे, शपथ मुख्यमंत्री की, और फिर मुख्यमंत्री की किसकी मुख्यमंत्री के सलाह पर क्या बनेंगे, अन्य मंत्री। जरूरी नहीं हो विधानसभा के सदस्य हो, विधान परिषद के भी हो सकते हैं, अन्यथा कितने माह के अंदर लेनी पड़ेगी, 6 माह। यहां भी अविश्वास प्रस्ताव कितने लोग लेकर आएंगे, 50 सदस्य विपक्ष के। अगर ये पारित हो गया तो क्या देना पड़ेगा सरकार को, त्याग पत्र। बिल्कुल लोकसभा की तरह ही है इसका गठन भी। बताओ पहले इतने बताओ, कोई दिक्कत है तो। अगर अगली जो बात है, हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, विधान परिषद के बारे में बात करेंगे, अभी हम लोग अगली वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि विधान राज्यसभा का क्या अधिकार है, या राज्यसभा का गठन या चुनाव कैसे होता है, सॉरी विधानसभा का कैसे गठन होता है या चुनाव होता है, ये हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, और हम लोग इस चैनल पर हर सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो बनाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे फिर करंट अफेयर्स हो, लेकिन अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे चलना ही ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं कल।